दोस्तों आप सभी लोग अशोक वृक्ष के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि अशोक वृक्ष अधिकतर जगहों पर देखने को मिल जाता है। यदि अशोक वृक्ष को हम औषधि के रूप में देखें तो यह हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि अशोक जो है, अशोक का जो वृक्ष होता है उसके पत्ते, छाल और फल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों अशोक का वृक्ष जो होता है वह शीतल, कड़वा, ग्राही, वर्ण और उत्तम करने वाला होता है। कसेला होता है बात पीट आदि दोषों को, अपच, तृष्णा, दाह, कृमि, शोथ, विष तथा रक्त विकार नष्ट करने वाला यह रसायन और उत्तेजक होता है। इस वृक्ष का क्वाथ गर्भाशय के रोगों को नाश करता है, विशेषकर रजो विकार को नष्ट कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। इसकी छाल रक्त प्रदर रोग को नष्ट करने में उपयोगी होता है। माना जाता है कि अशोक वृक्ष घर में लगाने से इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है। अशोक के फल एवं छाल को उबाल करके पीने से स्त्रियों को कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही यह सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। इसकी छाल को उबाल करके पीने से कई तरह के चर्म रोग से भी आजादी मिल जाती है। यदि व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हो और अशोक वृक्ष का एक पत्ता अपने सिर पर धारण कर ले तो इससे कार्य सफल हो जाते हैं और अशोक के वृक्ष की जड़ शुभ मुहूर्त में ला करके विधि पूर्वक पूजन करने से, यानी कि पूजा करने से और उसको सही जगह पर रखने से धन की कमी नहीं होती। ऐसा अशोक वृक्ष के बारे में धार्मिक ग्रंथ, पुराणों और धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया। इस वृक्ष को लगाने और उसको सींचने से धन की वृद्धि होती है। यदि अशोक वृक्ष की जड़ को ताबीज में भर करके विधि पूर्वक धारण कर लिया जाए तो हर असंभव काम को पूरा किया जा सकता है। इस वृक्ष को प्रतिदिन जल देने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसा हिंदू रीति रिवाजों में ऐसी प्रथाओं का मानना है। इस वृक्ष के बीज, पत्ते, फल एवं छाल को पीस कर लेप लगाने से सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। इस बीज का फूल को शहद के साथ मिलाकर के यदि खाया जाए तो कई सारे रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। अशोक के वृक्ष को धर्म पुराण ग्रंथों में इसे बहुत ही औषधीय गुणकारी औषधि वाला वृक्ष माना गया है। तो दोस्तों इससे पहले आपको अशोक के बारे में क्या इतनी सारी बातें मालूम थी? नहीं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली अगली वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।